सो हे गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ बेसिक टर्म्स, मतलब बेसिक नॉलेज फॉर फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स। ये पार्ट वन है, मैं इसका 10-12 सीरीज लेके आऊँगा अगर इस पे आपका अच्छा प्यार मिला तो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन जब आप जाओगे एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर साइट पे जॉब करने, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही काम आएंगी एंड बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे है अपना इनिशियल सेटिंग टाइम, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये 30 मिनट्स का होता है, मतलब जो आपका प्राथमिक सीमेंट का जो सेटिंग टाइम होता है ना, मतलब पहला जो सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट्स का होता है। एंड सेकेंड पे है अपना फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। फाइनल सेटिंग टाइप ऑफ सीमेंट ये 10 आवर्स या 600 mm आप बोल लो, ये इतना का होता है। एंड तीसरा है अपना वेट ऑफ स्टील, मतलब ये आप कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, डाया स्क्वायर बाय 162.2 ये केजी पर मीटर में आपका निकले। तो देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ये मालूम होगा, एंड बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको ये मालूम नहीं होगा। तो आपने ये सही वीडियो पे क्लिक किया है, बने रहो वीडियो के अंत तक, इस पे बहुत कुछ आपको सीख के जाओगे। चलो अपना फोर्थ जो पॉइंट है वो मिनिमम हुक लेंथ आपको कितना रखना है, मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो है 9D, मतलब मिनिमम हुक लेंथ इज इक्वल टू 9D। देखो ये जो अपना ये हुक है, इसको मतलब ये रिंग हो गया एक, इसका जो हुक है वो आपको मतलब 9 हो गया अपना एंड डी हो गया डाया। तो जितना का आपका सरिया है उतना, मतलब 10 को मान लो सरिया आपका, तो 10 × 9 × 10 = 90 mm। उसके बाद से अपना फिफ्थ पॉइंट है द ट्रांसवर्स रेन्फोर्समेंट ऑफ कॉलम्स आर कार्ड टाइज। देखो मैं एग्जांपल के साथ इसको बताता हूँ। ये हो गया अपना, मान लो एक ये अपना ये कॉलम हो गया, तो इसमें जो बीच में हम रिंग जो डालते हैं उसको हम टाइज बोलते हैं। बीच में जो रिंग डालते हैं ना उसको हम टाइज बोलते हैं। अगला पॉइंट है अपना द ट्रांसवर्स रेन्फोर्समेंट इन बीम आर कार्ड स्टीरअप्स। देखो जो इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। ये मान लो आपका ये एक बीम हो गया, इसमें जो बीच में डालते हैं ना रिंग टाइप का, वो उसको स्टीरअप्स बोलते हैं हम। एंड सेवेंथ पॉइंट है एयर वॉइड्स लेफ्ट इन कंक्रीट इज कॉल्ड हनीकॉम्बिंग। जो मतलब कंक्रीट करते समय जो एयर वर्ड्स, मतलब आम भाषा में इसको गंजा बोलते हैं, गंजा जो रह जाता है ना उसको हनी कॉम्बिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड उसके बाद से अपना ये 8th पॉइंट आता है स्लोप ऑफ स्टेयर केस इज इक्वल टू 25° to 40°। मतलब स्टेयर का जो स्लोप होता है उसका जो एंगल, मतलब एंगल बोल लो उसको, 45° के एंगल में, 25 to 45° का एंगल में वो होना चाहिए। अपना सीमेंट शुड बी यूज्ड विद इन 3 months ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखो 3 महीने के बाद सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो 20% स्ट्रेंथ उसका लॉस हो जाता है। और करने का एक तरीका है, मतलब उसको हाथ में लेके देखो, उसमें अगर लम्स नहीं है तो आपका वो सीमेंट वर्किंग काम करने के लायक है, नहीं तो वो अगर उसमें छोटे छोटे दाने पड़ गए हैं तो वो काम करने के मतलब ख़राब हो चुका है। 10th नंबर पे हमारा है हाइट ऑफ पैरापेट वॉल शुड बी 1 meter। ये मतलब जो हम पैरापेट वॉल देते हैं उसका हाइट 1 meter तक मतलब रहता है। ये मतलब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मतलब जो बुक है आपको उसमें भी मिल जाएगा। तो गाइज कमेंट करके बताओ आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना, मैं इसका 10-12 सीरीज लेके आऊँगा आपके लिए। ये पार्ट वन था, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से ऐसे रिलेटेड ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपके मतलब जॉब के टाइम पे बहुत या घर बनाते समय बहुत हेल्प आएंगी। सो सी यू इन अनदर वीडियो गाइस, लव यू ऑल, जय हिंद।